जैन नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि मैं इस बीच वीडियोस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह मेरे कुछ निजी कारण थे और अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। आपको धकाधक धमाधम वीडियोज मिलने वाले हैं, तैयार हो जाइए, ये सारे वीडियोज आपके पास आने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही जल्द शायद इसी मंथ लास्ट या इसी मंथ के बीच में उसे हम लॉन्च करेंगे। कोई भी उसमें आपको सुझाव देना हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप जरूर आएं, उसमें सुझाव दें, आपका सुझाव अपेक्षित है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में या हमें मेल कर भी दे सकते हैं और आपके सुझाव से हम उस वेबसाइट को और भी बेहतर बना सकेंगे। इससे हमारा जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी प्रमोट होगा, साथ ही साथ आपके साथ से उसमें आपके मुद्दे के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, कैसी और चीज़ें उसमें हमें जोड़नी चाहिए, ये भी हमें पता चलेंगी। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दे के साथ। आज का मेरा मुद्दा है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से कॉरपोरेट सेक्टर का 15.52 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जोखिम में आ गया है। जी हाँ, जोखिम इतना अधिक है कि इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बैंकों के द्वारा इंडस्ट्रीज को दिए गए कर्ज बैंकों के द्वारा बांटे गए पूरे कर्ज के 29.04% है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल खाका तैयार करने वाली कमेटी, जो कि आपको पता ही होगा कि केवी कामत कमेटी के नाम से जानी जाती है, इनकी रिपोर्ट थी कि देश में 23.07 लाख करोड़ रुपए का बैंकिंग ऋण है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के कर्ज का कुल 45%। कोविड-19 के असर से पहले ही जोखिम ये था और अब जबकि कोविड-19 की वजह से जीडीपी का हाल और भी ज्यादा खस्ता हो चुका है, तो ऐसे में एक रिपोर्ट ने बैंकिंग सेक्टर के पूरे कर जोखिम को बढ़ा दिया है और उसको बढ़ाकर 72% तक कर दिया है, जो कि करीब 37.72 लाख करोड़ रुपए होता है। कामत कमेटी ने भी कहा है कि रिटेल ट्रेड, होलसेल, रोड और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों की कंपनियां मुश्किल स्थिति का सामना कर रही हैं। ये वही सेक्टर हैं जो कोविड के पहले से संकट झेल रहे थे। कुछ और सेक्टर भी हैं जो कोविड के पहले से ही संकट झेल रहे थे, जिसमें NBFC, पावर स्टील, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। और इसी बीच देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी चेतावनी देते हुए मोदी सरकार को सलाह दी है कि अगर स्थिति को अभी नहीं संभाला गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। उन्होंने इसे तबाही के अलार्म के तौर पर देखा है और सरकार को अलर्ट हो जाने के लिए कहा है। यह सुझाव उन्होंने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा। रघुराम राजन का कहना है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए मुआवजा और प्रस्ताव प्रोत्साहन दोनों को ही भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। जब अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खतरे से उबर जाएगी तब वह दोबारा रफ्तार पकड़ेगी, तब सरकार इन राहत पैकेजों को देने की योजना में है। पर इस समय सरकार को यह समझना होगा कि यदि सरकार सत्ते में नहीं आई और ठोस नीतिगत कदम नहीं बढ़ाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक के अपने सबसे बुरे दिनों को देख सकती है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की तबाही के अलार्म है, इसलिए सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजन ने कहा कि यदि आप अर्थव्यवस्था को एक मरीज की तरह देखें तो उसे लगातार इलाज की जरूरत है। राहत पैकेज के बिना लोग खाना छोड़ देंगे, वे बच्चे स्कूल से निकाल देंगे और उन्हें काम करने या भीख मांगने के लिए भेज देंगे। लोग कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रख देंगे, EMI और मकान का किराया बढ़ता जाएगा। इसी तरह राहत के अभाव में छोटी और मझोली कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी और उन्हें निकाल देंगे और उनका कर्जा बढ़ता जाएगा और अंत में वो बंद हो जाएंगे। इस तरह जब तक वायरस पर काबू होगा तब तक इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि इसे देख कर विशेषज्ञों का कहना है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में पहली तिमाही में करीब 24% की भारी गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में
20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। रघुराम राजन के अलावा पूर्व वित्त आयोग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का भी कहना है कि लॉकडाउन से सूक्ष्म लघु उद्योगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी मदद की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो योजनाएं पेश की गई हैं उनका लाभ 40-45 लाख को ही मिल पा रहा है। एमएसएमई में एक बड़ा वर्ग है जो अभी तक अछूता है, सरकार को उन्हें सीधे अनुदान देना चाहिए। इसके साथ ही समाज का एक दूसरा वर्ग 10 से 12 करोड़ के करीब कामगारों का है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, उनकी मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रणनीति के तीसरे हिस्से के तहत सरकार को समग्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों में पूंजी व्यय बढ़ाना चाहिए। कई क्षेत्रों में नीतिगत समस्याएं आड़े आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पहली तिमाही में पूंजी निवेश में भारी कमी आई है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार की स्थिति अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ खास स्पष्ट नहीं हो रही है। क्या सरकार कोई ऐसी नीतियां लाएगी? अर्थव्यवस्था, आम आदमी और युवा तीनों ही महामारी से बदहाल है और तीनों ही अपनी समस्याओं के लिए बस केवल एक ही ओर आशान्वित है, और यह है सरकार। क्योंकि अब कहते हैं कि बुरे समय पर नेता के नेतृत्व की असली परीक्षा होती है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लोगों के लिए सरकार किस तरह से नीतियां निर्धारित करती है, और विकास की बात करने वाली सरकार क्या सच में जनता की काम आएगी, या हमेशा की तरह आम आदमी केवल आम की गुठलियों की तरह चूस कर फेंक दिए जाएंगे। यह सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए सीडीएम इंडिया का यह विशेष शो, सुकून मिलेगा। और ऐसे ही क्रिटिकल, पॉलिटिकल, सोशल, देसी विदेशी मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए सीडीएम इंडिया। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।